सुभाषपा अपने चुनाव की तैयारी सब कर ली है, हमारी पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। मेयर और जो वार्ड में जो भी जहां प्रत्याशी मिल जाएंगे सब लड़ेंगे। 2024 की किस तरीके से तैयारी चल रही है, किसी से क्या गठबंधन को लेकर? नहीं, हमारा गठबंधन तो 4-6 महीना रहता है तब होता है। अभी तो देखिए, हम लोग अभी आपने देखा कि महिला हक अधिकार महारैली मऊ में देखा कि नहीं, 50,000 महिलाएं जुटी थी। इसी 27 तारीख को फैजाबाद के सुल्तानपुर में होने जा रहा है। अभी एक महीना हम लोगों ने तैयारी किया सावधान रथ यात्रा का, शुरू किए लखनऊ से, ले गए पहुंचा दिए पटना तक। किसी की हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे साथ गुड्डू भाई बैठे हैं, फकरे आलम जी बैठे हैं, ऐसी ताकतें बैठी हैं कि कह दिया जाता कि ये काम तो सब सही कर देते हैं। किस तरीके की बातचीत चल रही है आपकी बीजेपी से? करता हूँ नहीं यार, ये सब कहाँ से आप लोग पकड़ के लिए आते हो बात? बहुजन समाज पार्टी से? देखिए, किसी से कोई बात नहीं। राजनीति में अभी लोकसभा का चुनाव दूर है, आएगा टाइम तो गठबंधन कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, कौन सा गठजोड़ बन रहा है, कौन मजबूत गठजोड़ है, कौन कमजोर गठजोड़ है, तब उसके बाद इस पे विचार होता है। तीसरे मोर्चे को लेकर भी कहाँ से मोर्चा तीसरा आई, कौन तीसरा मोर्चा के बनाई? मायावती जी अकेले लड़ी हैं, अखिलेश जी अकेले लड़ी हैं, सब तो कौन मोर्चा अकेले हुई है? ये नहीं, कुछ न कह पाई है। सबसे बड़ा दुश्मन वंचित समाज का, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो मायावती जी और अखिलेश जी हैं। यह दोनों ना चाहते हो कि इन लोग के हिस्सा मिले, इन लोग के सम्मान मिले, इन लोग का काम हो, इन लोग का बात बढ़े, इन लोग का हिस्सेदारी मिले। इन दोनों आपसय में लड़त हूँ सर, इन दोनों की लड़ाई में नुकसान हो रहा है पूरे समाज का।